नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट मैं हूं आपके साथ आकाश दिवी बिहार में जारी सियासी उथल पुथल के बीच आज यानी शनिवार का दिन खास और अहम माना जा रहा है बता दें कि यहाँ जनता दल के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाली एन में शामिल होने की अटकलें काफी मजबूत हो गई इस बीच रविवार को सीएम आवास पर जे के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है उधर राष्ट्रीय जनता दल और आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी भी खेमे बंदी में जुट गई है प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरजेडी ने आज दोपहर एक बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है वहीं बीजेपी भी शाम चार बजे पार्टी विधायकों के साथ बैठक करने वाली है इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस के तेरह विधायकों का मोबाइल फोन नॉट रीचेबल आ रहा है सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी और जेडीयू में संपर्क में हैं। सूत्रों के साथ ही बताया गया कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब तुरपु के के इक्के के तौर पर सोनिया गांधी का इस्तेमाल कर सकती है खबर है कि सोनिया नीतीश के फोन से बात कर सकती हैं इस समय जेडीयू के पास 45 विधायक हैं बीजेपी के पास छिहत्तर विधायक हैं जीतन राम मांझी कि हम पार्टी के पास चार विधायक हैं ऐसे में इन दलों और के पास कुल मिलाकर 125 विधायक हैं जो सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े एक सौ बाईस से तीन अधिक है।, है कि अगर कुछ विधायक शनिवार की बैठक में नहीं आते क्योंकि इससे नीतीश कुमार के साथ साथ में और एनडीए के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती थी बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी हालात पर करीबी से नजर रखे हुए हैं इस समय राजद के उन्यासी और कांग्रेस के उन्नीस वाम दलों के बारह विधायक हैं हालांकि कांग्रेस ने विधायकों की टूट की खबर को बेबुनियाद बताया कांग्रेस ने जड़े सूत्रों के मुताबिक बिहार में कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश पार्टी के चौदह विधायकों के साथ अब तक बात की है और कोई विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा पार्टी ने अपने सभी विधायकों को पूर्णिया बुलाया है जहां विधायक दल की बैठक होगी इस बीच खबर है कि बिहार में बदलते राजनीतिक हालात के मद्देनज़र पूर्णिया में प्रस्तावित रैली को रद्द कर सकती है लेकिन इस बीच सोचने वाली और लगातार गंभीर मुद्दे वाली बात एक ही चल रही है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से तेजस्वी यादव का क्या होगा नीतीश के पाला बदलने से यहाँ पर लालू यादव की सरकार का क्या होगा और क्या नीतीश के पाला बदलते ही तेजस्वी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा ये तमाम बातें चल रही हैं लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा मुश्किलें इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव की और लालू यादव की बड़ी है क्योंकि यहां पर लालू यादव अपने पार्टी के कई नेताओं से और नीतीश कुमार के खासतौर जाने से कही न कहीं ना कहीं चिंतित है और ऐसे में अगर उनके पास विधायकों की दली कमी आती है एक आध विधायक जाते हैं तो नीतीश कुमार यहां पर लालू यादव के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं दर्शकों इस पूरे मुद्दे पर आप आपकी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा फिलहाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट